जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। अब आप हमारे सभी प्रोग्राम हमारी वेबसाइट www.jaijantv.com और हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन जयजांट टीवी पर देख सकते हैं। तो आज ही प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन जयजांट टीवी डाउनलोड करें और देखें हमारे सभी लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम और साथ साथ जयजांट टीवी। तो हमारे को पूरा लाभ ग्रहण करना चाहिए। सत्संग का फायदा भी हमारे को तभी होगा जब हमारा हृदय, हमारा बुद्धि को छोड़ के हमारा हृदय अपने गुरु के चरणों में भाव विभोर होके ऐसे जुड़ेगा। और जब तक हमारे हृदय के अंदर ये भाव के हिलोर नहीं उठती हैं तो ये सिर्फ गाना बन के रह जाएंगे। शब्द शब्द तो सभी कहें रे, वो तो शब्द विधे जीवा पर आता नहीं, निरख परख कर ले। वो तो शब्द के साथ हमने जुड़ना है, वो विधे रूप के अंदर शब्द है, विधे ही है उसका, कोई शब्द आधार नहीं है, कोई आकार नहीं है, हमने उसके साथ जुड़ना है। ठीक है, अभी हमने जितनी देर भी बैठना है सत्संग के अंदर, अपने गुरु चरणों में जुड़ने की कोशिश करनी है, गुरु चरणों में बैठ के और अपने मन को उस अर्ज के साथ लगाना है। एक बार कई साल पहले की बात है, महाराज रामानंद जी चांग से आए हुए थे। उन्होंने अपने प्रवचन के अंदर कहा था कि वाणी को ये मत देखो कौन गा रहा है, कैसे गा रहा है, वाणी को ये देखो ये वाणी किसकी है। अगर आप उसी भाव से उस वाणी को सुनोगे और उसी भाव से अगला सुनाएगा तो वैसे ही हम हो जाएंगे जैसे कि वाणी गाने वाले के भाव बने थे। जैसे महाराज जीता दास ने कहा है, मैं तो कुछ हूं नहीं, मेरे सतगुरु हैं भरपूर। अगर उसी भाव से शब्द को गाया जाए और उसी भाव से सुना जाए तो हमारे हृदय के अंदर वाक्य में जो कमल खिलने हैं, जो फूल खिलने हैं, तो महाराज की जरूर हमारे ऊपर कृपा होगी, जरूर उनकी कृपा का हाथ हमारे सिर के ऊपर आएगा। जब भी कोई किसी के पैरों की तरफ हाथ करता है तो खुद ब खुद दूसरे का हाथ उसके सिर के ऊपर आ जाता है। तो जब भी हम भाव से भरेंगे, उस साहेब के चरणों में लगने की कोशिश करेंगे तो वह कुदरत ही साहेब का हाथ हमारे सिर के ऊपर आएगा। इसी भाव से आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि शांति बनाए रखें और जो भी वाणी, कोई भी संत, कोई भी भाई जिस भी वाणी को गा रहे हैं तो पूरी तरह तन मन होके पूरा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। बहनों से मेरी खास तौर पे विनती है, वो आपस में बातें ना करें, बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरटेन ना करें बच्चों को, और सत्संग का उचित लाभ लेने की कोशिश करें, तभी हमारा इतना आयोजन करने का फायदा है और आपको आने का उचित लाभ मिले। अभी आपके सामने भाई राजेश जी मावटी से दो वाणी के द्वारा अपने भाव को प्रकट करेंगे, आप ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करें। बोलो साधो सत सत मंदी मंदी छोड़ मारा श्री हरिदास जी को सत साए मंदी छोड़ मारा श्री आत्म प्रकाश जी को सत साहे मंदी छोड़ मारा श्री महावीर दास जी को सत साहे सब भक्तों को सत साहे। बोलो साधो सत बोलो मुझे टी शर्ट पर आ दो पूरी बाजू का बोल क्या सुंदर
जन्म मरण के फेरे गुरुदेव सांवरे मेरे ना सहारा बिना तेरे गुरुदेव सांवरिया Thank you.
जीव बड़े अवे माने Thank you.